हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी एक नई ट्रिप चालू हो रही है। हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी जो कि कटरा में है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, पानीपत रेलवे स्टेशन, क्योंकि मैं पानीपत से ही जॉब कर रहा हूं और ये यात्रा हमारी पानीपत से कटरा की होने वाली है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं जम्मू स्टेशन। ये हमारी ट्रेन है, साथ में ही हमारा ये पीछे कोच भी दिखाई दे रहा है और स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और रेलवे स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये हमारा रेस्ट हाउस है जहां पर हम आराम करेंगे। और वैसे तो हमारा प्लान है आज कि हम रात में ही यात्रा करेंगे भवन के लिए, लेकिन देखते हैं, अगर हमारे प्लान में चेंज होगा तो आप लोगों को बताएंगे। बट सबसे अच्छी बात यह है कि आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और ये हमारा रेस्ट हाउस है। चलिए अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं। ये हमारा रूम है। तो दोस्तों, ये हमारा कमरा है और नाना धोना हो चुका है। अब हम लोग रेडी होते हैं और यात्रा के लिए निकलते हैं। अब हम यात्रा पर्ची लेते हैं, ये स्टेशन पे ही सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पर लें आराम से यात्रा पर्ची और अपनी यात्रा शुरू करें। और जब आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये हमारा माता का भवन जो पहाड़ की चोटी पे स्थित है, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। और ये कुछ स्टेशन के बाहर का नज़ारा ऐसा है। तो अब हमने यात्रा पर्ची ले ली है और अब हम यहाँ से अपनी यात्रा चालू करते हैं। आइए, जहाँ से हमारी यात्रा चालू होगी वहाँ तक हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, फिर वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी यात्रा चालू कर दी है। ये हमारे जर्नी पार्टनर है हमारे, और देखते हैं आगे का सफ़र हमारा कैसे होता है, क्या ऐसा नहीं। माता रानी ने चाहा सब कुछ अच्छा होगा और ये हमारी यात्रा चालू हो रही है। ये वो स्थान है जहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर चलता है। बारिश हो रही है हल्की हल्की, जिसकी वजह से टाइल्स स्लिपी हो गई हैं, लेकिन नज़ारा कुछ ऐसा है जो कि बहुत सुंदर है। और ये हमारा माता का पर्वत, लंगर हॉल का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये हमारा खाना है। यात्रा करते करते
आपको कुछ ऐसे सुंदर नज़ारे भी दिखाई देंगे। ये हमारा कटरा शहर है जो माता रानी के पर्वत से कुछ इस तरह दिखाई देता है। रात का नज़ारा कुछ ऐसा है। यात्रा का कुछ नज़ारा ऐसा है और थोड़ा साथ में खाना पीना भी होना चाहिए, शरीर में कुछ एनर्जी आती है। और ये देखो पीछे, अब हम भवन के समीप पहुंच चुके हैं। आप फूलों की सजावट को देख रहे हैं। ये नज़ारा देखते ही बनता है। जैसे जैसे मंदिर के समीप जा रहे हैं हम, वैसे वैसे सजावट और सुंदर होती जा रही है। नवरात्र में माता का भवन कुछ इस तरह के सजा हुआ है। भवन की तरफ जाते समय कुछ ऐसा नज़ारा जो कि फूलों से सुसज्जित है। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखिए जरा, कितनी भीड़ है। लेकिन जो सजावट की गई है वो बहुत ही सुंदर है। और ये रहा माता का भवन। अब हम अपना दर्शन करके आ चुके हैं और भैरव बाबा की तरफ जा रहे हैं। और भैरव बाबा की ये चढ़ाई थोड़ी कठिन होने वाली है। तो दोस्तों, हमने माता के दर्शन कर लिए थे और भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए थे। अब सुबह हो गई है। ये वो जगह है जहाँ से हम 20-21 साल पहले आए थे अपने पापा चाचा मम्मी लोग के साथ में। सांझी छत में हम नाश्ता करते हुए
हमारे भाई साहब। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। और मौसम बहुत अच्छा है। हमारे भाई साहब दोस्तों अब हम अर्धकुंवारी से नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने बैठ करके थोड़ा आराम कर लिया और अब नीचे की यात्रा फिर से चालू करते हैं। दोस्तों अब हम भवन से नीचे की तरफ आ चुके हैं। बस 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता रह गया है, अब मार्केट मिलना चालू हो गई है और सुबह सुबह मार्केट का नज़ारा कुछ ऐसा है। जो थक जाता है वो यहाँ पर मसाज करा सकता है इन कुर्सियों से। दोस्तों अब हम बाढ़ गंगा आ चुके हैं, भवन से नीचे उतर के अब नीचे की तरफ जा रहे हैं और आपको रास्ते भर में ऐसे नज़ारे दिखाई देते रहेंगे जहाँ ढोल नगाड़े बजते रहेंगे और आपका मनोरंजन होता रहेगा। तो दोस्तों अब हम यात्रा करके नीचे आ चुके हैं, अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। यात्रा में कई सारी कठिनाइयाँ ज़रूर आईं लेकिन माता जी ने जिस प्यार से बुलाया उसी प्यार से अपने दर्शन भी दिए और सब कुछ अच्छा रहा। और जैसा कि आप लोग देख के पता लगा ही ले रहे होंगे हालत थोड़ी खस्ता हो गई है, बट 14 किलोमीटर की जर्नी में ये सब दिक्कतें तो होती रहती हैं। और आप लोग भी आइए दर्शन करिए। अब हम कटरा मार्केट में आए हैं कुछ शॉपिंग के लिए और मार्केट का नज़ारा कुछ ऐसा है, काफ़ी चमक दमक दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको प्रसाद, ड्राई फ्रूट, खाने पीने के सामान सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और वो ऊपर जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो माता का भवन है ऊपर। ये कटरा का मेन चौराहा। फाउंटेन चौराहा